हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ राइस हल्दी चंदन फेस मास्क। ये फेस मास्क स्पेशली स्किन वाइटनिंग एंड एंटी एजिंग के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में मैं लूँगी 2 बड़े चम्मच पके हुए चावलों का पेस्ट। मैंने सिंपली बॉयल्ड राइस को मिक्सी में डाल के पानी डाल के उसको पेस्ट बना लिया है। इससे हमारा जो फेस मास्क है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनता है और स्किन को बहुत ज़्यादा लिफ्ट करता है और टाइट करता है। चावल वैसे भी स्किन वाइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच चंदन यानी कि सैंडलवुड पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच ऑर्गेनिक कस्तूरी हल्दी। ये हल्दी स्पेशली स्किन केयर के लिए होती है, तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो किचन हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें मैंने राइस यूज़ किया है जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए और एंटी एजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ चंदन जो कि हमारी स्किन को ठंडक देता है, स्किन के कलर को निखारता है। आखिर में हल्दी जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे स्किन से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को, एक्ने को, ब्लेमिशेस को, सारी चीज़ों को दूर रखती है। तो अगर इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करके अगर फेस पैक के रूप में लगाते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस फेस पैक को आप अपने पूरे चेहरे पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइएगा और उसके बाद 20 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से आपकी स्किन में धीरे धीरे सुधार नज़र आने लगेगा और इस फेस पैक को आप 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ अपने कमेंट्स करिए, अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।